तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग क्या गुड आफ्टरनून हो रही है। और अभी हम हो चुके हैं सारे के सारे काम से फ्री, और आज डे है संडे। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं कर लूँ थोड़े से शिनाजी पूरे। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 3:30 एग्जैक्ट 3:30 हो रखे। हुआ क्या, मैं सारे मतलब लेट हो गई क्योंकि मुझे वो स्टेशनरी का सारा सामान सेट करना था, इसलिए मुझे 2-3 घंटे तो उसी में लग गए सारे सेटअप करने में। और अभी मैं करती हूँ अपनी शिनाजी पूरे। काफ़ी टाइम सोचा था दिवाली तक कर लूँगी, मगर दिवाली तक नहीं कर पाई, बिज़ी चल रही थे, क्लासेस बिज़ी हो रहे थे और गार्डनिंग सब में बिज़ी होने के कारण। और काफ़ी बड़ा साइज़ है तो मतलब नहीं हो पा रहा था, ऑल ओवर नहीं हो पा रहा था। तो कोशिश करते हैं उसको करने की, थोड़ा बहुत सा टाइम निकाल के ही, मत करो बेटा। और हमारे इस ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साक्षी बोल रही है मम्मी, कुछ भी बोल रहे हो। हाँ बेटा कुछ भी। तो चलो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। उसमें मैंने तो देखो, ये जो मैंने ब्लैक कलर किया ना तो ये खिल के नहीं आ रहा था, ये देखो दिख नहीं रहा ना, इसलिए मैंने सोचा इसमें थोड़े थोड़े से वाइट डॉट्स लगा दें तो ये अलग से निकल के आ जाएंगे। इसमें और उसमें डिफरेंस लग रहा होगा आपको, मतलब डिफरेंस दिख ही रहा है, लग क्या रहा है। तो इन सब में मैं एक बार वाइट डॉट्स कर देती हूँ, फिर बैकग्राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब फिर मैं करूँगी अंदर वाला काम, अंदर शिनाज जी की फेस का मैं अभी नहीं करूँगी, ज्वेलरी वगैरह करूँगी, फेस का काम सबसे लास्ट में करेंगे। तो चलो ठीक है, इतना काम कर लेते हैं। तो इतना कर लिया है मैंने, दिखाती हूँ आपको कि मैंने कितना काम कर लिया। और इतना साक्षी और बैकग्राउंड हो चुका है, अब हम आएंगे कुछ अलग, बहुत दिनों बाद कुछ अलग करेंगे इसमें। और बता देती हूँ कि क्या काम कर रहे हैं। और दोनों बच्चे मेरे पास ऐसे बैठे, पता नहीं क्यों बैठे हैं, दोनों ही दोनों बंदर बन के इसका वीडियो बना रही। पहले बात करी, एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है, पता नहीं कुछ काम वाम है नहीं इनके, ना खुद कुछ करना है। अरे दीदी वो असली शीशे पे दूसरा क्या बना ली, ला चला ला, भग गई ये भी काम। मैं सोने जा रहा हूँ। तो गोल्डन कलर करेंगे, गोल्डन एक्रेलिक ये इस तरीके से। और ये पहले बता देते हैं, ये पहले तो आता था 20 रुपीज़ का, अब ये कितने का क्या हो गया वो हमें नहीं पता, मेरे पास तो पुराने स्टॉक वाला सामान है। तो अब मैं करूँगी ये एक्रेलिक कलर, दो कोट करने हैं, अभी सिंगल कोट करेंगे, फिर करेंगे हम डबल कोट और सारी ही ज्वेलरी पे। ये आप पढ़ाई कर लो, देखो इस तरीके से फटाफट से सारा गोल्डन कलर के दो कोड होंगे, एक जब कर लूंगी उसके बाद दूसरा जब सूख जाएगा ना तब करेंगे इसका हम दूसरा कोड। मस्ती मत। तो देखो इस तरीके से मैंने स्किन कलर, अभी इसको शाइन आपको लग नहीं रही होगी, किसी पोजीशन ऐसी है अच्छे से शाइन करेगा। थोड़ा सा ऐसे इसको टिल्ट करके बता दी, तो इस तरह से गोल्ड का दिखेगा। पूरी ज्वेलरी हम ऐसे ही बनाएंगे। और कलर को हमको थिक थिक लेना है, मतलब इसमें बिल्कुल भी आपको पानी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ही इसमें थिक हो कि आपका ब्रश चल ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा बहुत इसे पानी में डिप कीजिए। बाकी क्या इसे इसमें पानी बहुत कम लेने की ज़रूरत है। और ये है, अगर आपके पास ये ना हो कलर तो आप इसे अगर किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाके बोलेंगे कि एक्रेलिक का गोल्ड कलर दे दो, मेटेलिक कलर दे दो, तो वो दे देगा इसीलिए। और ये आता भी बहुत सस्ता है, ऐसा कुछ ज़्यादा खास महंगा आता भी नहीं है। तो एक एक कोट करने के बाद जब ये सूख जाएगा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसे मैं दो दो कोट करूँगी, तो चलो ठीक है फटाफट से कर देते हैं। दो कोट करने के बाद क्या होगा, शाइन बहुत अच्छी आने वाली है इसमें, इसलिए। तो हम जा रहे हैं सब्जी वब्जी लेने, क्योंकि संडे का एक दिन टाइम मिलता है जिसमें आप ला सकते हैं सब्जी और राशन का सामान। और ये वाली ड्राइंग है, कुछ ड्राइंग्स उसको मैं करवाने जा रही हूँ फ्रेमिंग के लिए। और ये कितने हो गए ये आपको बता देते हैं, और आके खाना वाना बनाएंगे उसमें जाएगा टाइम। तो देखो फिर रात को कुछ करते हैं क्या शिवनाथ जी का काम। तो ये देखो इसको मैंने इतना अभी छोड़ दिया है कलर करके, ये यहाँ ठीक है चलते हैं। करनी है भैया ये क्या हुआ, एक तो इसकी करनी है ठीक है, मगर इसमें क्या है भैया मैं बता रही हूँ आपको, इसमें ये जाएगा भैया ये सारे और 50 40 ये पत्ते निकाल दे उसके, पत्ते का भी कुछ बनता है ना।
फटाफट से हम बना लेते हैं खाना। तो हमारे खाने की तैयारी तो हो चुकी है, अब खाना हम आके खाएंगे। अभी हमें जाना है सारा राशन का सामान लेने, तो आके खाना खाएंगे। मैं ला रही हूँ, मैं ला रही हूँ। ये पुलाव में धनिया डाल देना, बच्चे से बोल रहे कि पुलाव में धनिया डाल देना। देखो डाल देंगे क्या, मिक्सर में वो मंगा था। देखो मैं तो राशन का सामान वामान लेके आ गए और क्या किया, खाना खा लिया। पहले आते ही हमने खाना वाना खा लिया और अब सामान वामान राशन का जमाते करते हैं, और जमाने के बाद फिर थोड़ा सा हम करेंगे ड्राइंग, क्योंकि अभी बची है 9:20 और टाइम है अभी, एक डेढ़ घंटा मिल जाएगा करने के लिए कुछ कुछ। और तो क्या, चलो ठीक है, पहले राशन का सामान जमाने के बाद मैं अपनी ड्राइंग वापस लगते हैं पेंटिंग में श्रीनाथ जी में। तो देखो आधा सामान तो खाली कर दिया, आधा सामान और अभी खाली करना बाकी है। तो एक इसको बच्चों ने ना हमारे नया वाला खोल लिया, पुराने वाला रहने दिया, ऐसे काम करते हैं ये बच्चे। तो चलो ठीक है, सारा सामान वामान खाली करके जमा लेते हैं और फिर करते हैं हमारा दूसरा काम। तो देखो अभी मैं क्या करूँगी, बस मैं ज्वेलरी में गोल्डन गोल्डन कलर करूँगी और एक एक कोड करके फिर उसे मैं छोड़ दूँगी। टाइम मिला तो दो दो कोड कर लेंगे, नहीं टाइम मिला तो एक कोड करेंगे। तो चलो ठीक है, कहाँ तक कर लिया था बता देते हैं एक बार। तो देखो इतना इतना तो कर लिया, तो यहाँ करूँगी मगर छोटे ब्रश से इसी। और अभी हम लेके बैठे बड़ा ब्रश, तो ये बाद में कर लेंगे। तो देखो अब शाइन, देखो अब फिर उसको मैं सही करके बताती हूँ, इस अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो अरे ये आपको शाइन दिखेगी इसमें। ठीक है, इसमें आ चुकी है शाइन। एक कोड और करना है, अब मैं इसी शीट को घुमा लूँगी और फिर बाकी सब पे करके फिर उस जगह पर करेंगे काम। ये भगवान, ठीक है अरे मैं कहाँ करूँगी ये, इस तरफ सारा ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ 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 इस तरफ, और ये यहाँ यहाँ इवन यहाँ और यहाँ यहाँ सब जगह कर देंगे हम गोल्डन कलर। अभी मैंने इतना काम कर लिया और इसमें मेरा ये डिब्बा देखो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ये वाला शायद इसमें ना दो बॉटल्स लग जाएगी, बिकॉज एक में तो मैं जैसे तैसे से पूरा कर लूँगी गोल्डन कलर को, और फिर एक और बॉटल लगेगी जिससे होगा हमारा ये सेकंड वाला कोड। और ये मेटेलिक कलर के मैं क्या बड़े बड़े वो नहीं लाती हूँ, मैं छोटे छोटे बॉक्सेस छोटे छोटे जो 20 रुपीज़ की आती हैं वही बॉटल्स लाती हूँ। बाकी जो दूसरे एक्रेलिक होते हैं ना जो ज़्यादा उठते हैं उन्हें तो मैं 100 ml या 500 ml वाले डिब्बे लाती हूँ, मगर इनके मैं छोटे ही लाती हूँ क्योंकि ये कम उठते हैं। इसमें भी आते हैं ऐसे बड़े बड़े, इवन जैसे मैं कल स्टेशनरी का सामान लेने गई थी मैंने वहाँ देखा था गोल्ड एंड और सिल्वर में भी 500 ml के कलर्स आते हैं, मगर फिर वो इतना कुछ ज़्यादा खास काम के नहीं रहते। तो चलो ठीक है, ये सारा कर लेते हैं ना। तो अब है ना ये सारा काम करते करते भी एक ही कोड हुआ है, सारा काम करते करते घड़ी में बज चुकी है 10:30 होने वाले हैं। तो चलो देखो दूसरा कोड करूँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह स्कूल को ये को स्कूल भी जाना है ना या तो सोएंगे, दूसरा कोड हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो बाद में देखेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आई होप के अब आगे का काम बाद में करेंगे। आई होप के आपको अच्छी लगे तो क्या करेंगे, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।